उज्जैन जिले के नागदा तहसील के ग्राम भीमपुरा में एक अजीब गरीब मामला सामने आया है। यहां के निवासियों ने भगवान शंकर की शरण में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि यहां की फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी चंबल नदी में मिल रहा है, जिससे ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी शिकायत तहसीलदार SDM से लेकर कलेक्टर तक की गई है, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला, जिससे हताश होकर ग्रामीण भगवान की शरण में आए हैं और उन्हें ज्ञापन भी दिया है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। मेन पानी की समस्या को लेकर जो दूषित पानी फैक्ट्री छोड़ रही है, और कहने का मतलब वो है कि पानी से इतने पीड़ित लोग हैं कि उस जहरीले पानी से भी आए दिन मौतें हो रही है, और इस मौतों का सारे जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। तो इसलिए हम सब ज्ञापन दे रहे कि थक चुके हैं, तो अभी एक एंड मतलब महाकाल ही बचे थे, तो हम महाकाल को भी मतलब ज्ञापन आज श्रद्धा अनुसार मतलब ज्ञापन देने आए हैं। तो कभी महाकाल की कृपा हो जाए और सभी मंद बुद्धि जो है उनसे मतलब थोड़ा मतलब पानी की दया दृष्टि हो जाए। मेन आपके पानी के लिए आप ज्ञापन जो आपके गांव को जो दूषित पानी मिल रहा है उसके लिए आपने सभी गांव में 14 गांव की आज हम समस्या लेकर यहां पर आए हैं, और इसको लेकर हम भूगर्ताल पर भी बैठे थे 6 दिन, जिसका भी कोई हल नहीं निकला है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम महाकाल को लास्ट में ज्ञापन देने आए, श्रद्धा अनुसार ज्ञापन। जो बहुत ही पीड़ित लोग हैं जो भी आए हैं, 100 गाड़ी पर लगभग 300 लोग आए हैं, और कुछ महिलाएं भी पैदल आई हैं, और DJ द्वारा सभी आए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।